हेलो गाइस, ये है 1 किलो करेले। इनको मैंने अच्छे से रगड़ के धो दिया है 3-4 पानी से, और इसमें लगा दिया है नमक। फिर इसको 3-4 घंटे हमने धूप में रखा, और धूप में से निकाल आने के बाद मैंने इनको फिर धो दिया, क्योंकि इनमें लगा हुआ है नमक। और अब ये मैं मसाले की तैयारी करने जा रही हूँ। ये है 5 प्याज, 1 अम्बी आम कच्चा आम, 4 हरी मिर्च। अब इनको मैं अच्छे से छिलका उतार के चॉपर में चॉप कर लूंगी। और ये मैंने मंगाया है बटरफ्लाई का है चॉपर अमेजोन से, और ये टोकरियां मंगाई है मैंने फ्लिपकार्ट से। तो इसका आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका लिंक दे दूंगी। तो करते हैं स्टार्ट, इसका छिलका उतार लेते प्याज का पहले। अब ये देखो, मैं ये धो के आ गई हूँ। अब इनको मोटा मोटा रफली काट लेते हैं, इस चॉपर में चॉप कर लेंगे। ये देखो, अब ये रफली इसको काट लेते हैं। पतला क्यों काट रहे हो? पतला का है, मोटे काट रही हूँ। मोटा क्यों काट रहे हो? मतलब चॉपर में इसको चॉप करेंगे ना, तो क्योंकि मतलब ये क्या कहते हैं, करेले का मसाला बनाना है तो बारीक चाहिए होता है। हो गया मम्मी चॉपर। ये भी आम भी ना इसमें डाल लेना है। आम क्यों डालते हैं? इससे खट्टा मीठा खटास आ जाती है। ये सारे प्याज आपने अभी काटे हैं? हाँ जी। और अब डाल देते हैं इसमें। तो हम लहसुन और अदरक वगैरह नहीं डालते इसमें? इसमें नहीं डालने, क्योंकि करेला गर्म होता है, फिर ज्यादा गर्म हो जाएगा फिर ये चीजें डालने से। वैसे भी गर्मी है बड़ी है। थोड़े कम ही डालती हूँ, नहीं तो होंगे नहीं अच्छे से। अब हो गया कि नहीं? इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है ना। ये बड़ा मंगाया है, 900 ml है। इसमें अगर आप टमाटर डाल दो और ऐसे ही कर दो चॉप, तो ये सालसा बन जाएगा। कई लोग डालते हैं इसमें भी। अरे नहीं, मतलब आप तो भरना में डाल दो मसाले के लिए। हम इसमें टमाटर डाल देंगे, और फिर ये निकाल के उसमें आधा नींबू निचोड़ दिया और काला नमक डाल दिया, और उसको आप फिर नाचो उसके साथ खा सकते हो, तो वो सालसा बन जाएगा। ये देखो हो गया, ये इतना बारीक प्याज लगता बहुत है मगर। मुझे तो रोना आ गया। अब ये देखो, इसको बीच में से काट लेते हैं। एक दो दिखा देती हूँ, फिर बाकी रेसिपी बनाते समय चलते हैं। आपको लॉकडाउन पे घर पे कैसा लग रहा है? अच्छा था, किसी को भी नहीं लगता, पर टाइम स्पेंड तो करना ही पड़ता है। देखो ऐसे करना है। कई लोग क्या करते हैं, बीज निकाल लेते हैं, और मुझे बीज वाले अच्छे भरमा अच्छे लगते हैं। मुझे नहीं पसंद। क्यों बीज क्यों नहीं निकालते? मुझे बीज वाले नहीं पसंद। मुझे बीज वाले पसंद है। तो बीज क्यों निकालोगे? बीज निकालोगे ना, तो आपको वो मेरे को पसंद नहीं है। मैं मेरे लिए निकाल दो, एक दो एक तेरे को अलग से निकाल दूंगी। ठीक, अब मैंने प्याज चॉप कर दिए,
मतलब गैस पे कढ़ाई रख दी है और गैस कर दी है ऑन। कढ़ाई को साफ कर लेते हैं। और इसमें डालते हैं तेल सरसों का। आप जो तेल डालते हो वही डालना। अब तेल हो चुका है गरम हमारा अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे जीरा। और इसमें डाल देते हैं चॉप किया हुआ प्याज। इसको अच्छे से फुल गैस पे भूनते हैं जब तक गोल्डन ना हो जाए। तो गाइस वीडियो पूरी एंड तक देखना। लास्ट में आपको फ्लिपकार्ट से मैंने क्या गिफ्ट मंगाया है। अब इसको अच्छे फुल गैस पे अच्छे से पकाना है। और मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था कुछ सामान, तो आपको रेसिपी बनाने के बाद शेयर करती हूँ दिखाती हूँ। तो लास्ट तक आप मेरी वीडियो में जुड़े रहिए। हींग डालना भूल गई थी तो अब डाल देते, कोई बात नहीं। मैं MDH का हींग यूज करती हूँ। अब देखो इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। फुल गैस पे ही भूनना है इसको। और अब डाल देते हैं मसाले। ये आधा चम्मच ये करीब हल्दी है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है आधा चम्मच, ये घर की कुटी हुई लाल मिर्च है आधे से थोड़ी कम, ये धनिया पाउडर एक चम्मच, ये दो चम्मच धनिया पाउडर, और ये घर का बना हुआ गरम मसाला, और ये नमक आधा चम्मच गया, थोड़ा सा और डाल देते हैं। अब अच्छे से भून लेते हैं इसको 2 मिनट। थोड़ा सा आम पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा। अब इसको मिक्स करके अच्छे से भूनते हैं। और गाइस मेरी 2-3 वीडियो जो आई हैं वो कैसे लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगे तो मैं जरूर कोशिश करूंगी आगे के लिए। अब इसको ढक के 4-5 मिनट और पका देते हैं स्लो गैस पे। लगा देते हैं लीड, 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। 6-7 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं कितने पके हैं।
भी है कसर, थोड़ा सा और भूनते। अब देखो ये मसाला तैयार हो गया, थोड़ा सा इसमें चीनी डाल देते हैं, खट्टा मीठा टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा, आधे चम्मच से भी कम है। अभी हमारा मसाला बनके रेडी हो गया, क्योंकि करेले में भर के फ्राई करेंगे तब भी पक जाएगा कढ़ाई में। तो गैस कर देते हैं बंद, और ठंडा होने के बाद इसको भर लेते हैं। हमारा मिक्सचर हो गया है ठंडा, तब इसमें हम भर लेते हैं। दो दिखा देते हैं भर के, बाकी सारे ऐसे भरने। अब हम इसमें धागा लपेट देंगे जिससे कि मसाला हमारा निकले ना। अच्छे से भर दो। अभी गाइस देखो मैंने तेल डाल दिया एक कड़छी के करीब, अब इसको गर्म होने देते हैं। और ये देखो ये हमारे करेले तैयार हो गए मसाला भर के। ये देखो और इसका ये जो बचा हुआ था छिलका, तो मैं ये डिब्बे में डाल के रख लिया। अब थोड़ा थोड़ा इसको क्या करती हूँ, दो चम्मच छिलका, एक खीरा, एक टमाटर, इसका जूस बना के मैं इनको पिला देती हूँ। जिनको शुगर वगैरह हो या नहीं हो तो ऐसे भी पी सकते, अच्छा होता है, खराब क्यों करना इसका छिड़का, भी यूज कर लो। तो हमारा तेल ये गर्म हो चुका है, तो हम गैस कर देते हैं स्लो, क्योंकि छींटे मारते हैं अगर फुल में डालो तो। स्लो कर देते हैं आराम से। अब बड़े ध्यान से करेले डाल देना। स्लो गैस पे इसको ढक्कन लगा के रख दो और बीच बीच में हिलाते रहना जिससे कि नीचे लगे ना और अच्छे से चारों तरफ पक जाए। तब तक मैं आपको जो मैंने ऑर्डर किया था गिफ्ट वो दिखाती हूँ। तो कल ये ऑर्डर आया था तो मैंने इसको सैनिटाइज कर दिया था, तो दिखाती हूँ मैं आपको खोल के। कहाँ से ऑर्डर किया? ये मैंने किया था फ्लिपकार्ट से। और ये है क्या? अब खोल के दिखाते हैं। मेरे लिए गिफ्ट ऑर्डर किया मैंने। हैं? मुझे लगता है मेरे लिए गिफ्ट ऑर्डर किया। नहीं मेरे लिए। सरप्राइज। देखो क्या है सरप्राइज। देखने से तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे गेमिंग बॉक्स लग रहा है। गेमिंग बॉक्स। डब्बे के अंदर डब्बा। पैकिंग अच्छी है। तो खुल जा सिंग सिंग। खुल जा सिंग सिंग। ये हमारा सा। ये क्या है? ओ ये तो एक ही है। इसमें लिखा था कि दो दो आने थे। ये तो एक ही है तो हम
रिपोर्ट करेंगे। इसको कैंसिल कर दें या क्या करें? इसको हम रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न कर देते हैं ना, क्योंकि ये वाले जो थे मसालेदानी जो होती है, ये दो दो थी ये 599 में, तो ये एक ही निकली अभी। ओके, वैसे प्रोडक्ट तो अच्छा है, ये देखो प्रोडक्ट अच्छा है, पर जो इसके ये जो है वो छोटे हैं, जो बॉक्सेस हैं। हाँ, छोटे भी हैं और दी भी एक है, तो ये वर्थ इट तो नहीं लगा मेरे को 599 में। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने बताए थे कि दो और आया एक है, इसलिए मैं रिटर्न कर रही हूँ इसको। और ऊपर से जो बॉक्सेस है वो है भी छोटे। हाँ अम्मा दिखाना कितने बॉक्सेस का क्वांटिटी कितना आएगा उसमें, दिखाना खोल के। 9 है। अरे खोलो, दिखाना एक। ये देखो गाइस कितने छोटे से हैं, बहुत ही छोटे। और ये देखो, ये मैंने सोचा था कि कांच का है, और ये देखो आवाज गाइस, ये देखो ये प्लास्टिक है, इसलिए ये रिटर्न होगा। तो बीच बीच में से इसको पलट देंगे अच्छी तरह, चारों तरह से ठीक जैसे पक जाए। ध्यान से, एक मिनट, ये बना रही है कद्दू का सूप, और फिर ढक्कन लगा देते हैं इसमें करेले में, स्लो गैस पे होता रहेगा, टाइम लगेगा अभी तो। तो गाइस हमारे करेले बनके तैयार हो गए हैं, देखो अच्छे से पक गए। अब गैस कर देते हैं। ओ, अब ये बनके तैयार हो गए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना अगर आपको रेसिपी पसंद आए। थैंक यू। और इसको आप किस किस के साथ खा सकते हैं? परांठे, जिस मर्जी के साथ खाओ, मैं तो सुबह खाऊंगी परांठे के साथ। चलो बाय गाइस, सी यू लेटर।